तुम्हारे भजन राम को पावे तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे तुम्हारे भजन राम तो तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस जन्म का हो चाहे परलोक का हो कोई सा भी जन्म हो उसको बुलाने की व्यवस्था है। तो दुख बुले जा सकते हैं, दुख मिटते नहीं हैं। और फिर वही भजन हमारा ये लोक भी सुधार देता है और परलोक भी सुधार देता है। तो भजन की महिमा, सत्संग की महिमा, ईश्वर के नाम की महिमा आपके हमें यही एक बड़ा संबल देती है। और इस भागवत की कथा की महिमा एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा, एक महात्म्य के द्वारा इसकी महिमा गाई गई। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता है, लेकिन घर में पत्नी का स्वभाव, जिसका नाम धुंधली, उसका स्वभाव ठीक नहीं है, लोक वार्ता रहता है, भागवत जी में आया है, क्रूर स्वभाव की है, झगड़ालू प्रवृत्ति की है और उतावलापना, जल्दीपना जिसको कहो, ये भी उसका एक स्वभाव है। कर्कश बुद्धि, कर्कश विचारधारा, बोलने में भी कर्कशता, इस तरह की झगड़ालू प्रवृत्ति की और कहीं भी बैठ करके एक दूसरे की निंदा करना और एक दूसरे का बारे में चर्चा करना, ऐसा उसका स्वभाव बना हुआ। लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। बार बार पति से कहती है, पतिदेव घर में बालक नहीं है, हमारे घर में इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है, कौन खाएगा। कहते हैं बार बार जब आत्मदेव को तीर की तरह चुभने वाले शब्द पत्नी की ओर से, समाज के लोगों की ओर से जब सुनने को मिले, तब आत्मदेव ने निश्चय किया कि मुझे इस संसार में नहीं रहना, मैं शरीर समाप्त कर दूं और मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। जब आदमी को सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो विचार करता मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन हमारे ग्रंथों में कहा है आत्महत्या करना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अपराध है। कहते हैं कि जो आत्महत्या करता है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है, कभी मुक्ति नहीं होती है, प्रेत योनि में भटकता रहता है और हजारों वर्षों तक। कहते हैं कि न भूख मिटती है, न प्यास मिटती है, प्रेत योनि में भटकता रहता है। तो आत्महत्या का विचार करके चला, जैसे ही आत्महत्या करने के लिए निकला घर से, लेकिन एक संत का मिलन हुआ। संत ने पूछा, हे ब्राह्मण, कथम रोदिषि, आप क्यों रो रहे हो, कारण बताओ, क्या चिंता आपको सता रही है, हमारे लायक हो तो आप हमें बताओ। ब्राह्मण आंख में आंसू भर के कहने लगे, बाबा मैं बहुत दुखी हूं, पैसे की मेरे घर में कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, एक चीज की कमी है, मेरे घर में कोई बालक नहीं है। मेरे घर में आंगन में पौधा लगाता हूं तो फल नहीं लगता, घर में गाय पालता हूं तो गाय ब्याती नहीं है, मैं क्या करूं। मैं निकलता हूं, सामने से कोई आता हो तो मुंह फेर लेता है, मेरा कोई शकुन नहीं लेता, मैं क्या करूं, शरीर को समाप्त करना चाहता हूं।
संत ने बहुत सुंदर समझाया, हे ब्राह्मण, हे आत्मदेव, आप कहते हो मेरे बेटा नहीं, आप कहते हो मेरे संतान नहीं, तो संतान जिसके है आप बताओ वो कहां सुखी है? जिसके संतान है उनके भी तो कई दुख लग रहे हैं, और आप अपना दुख बता रहे हो कि मेरे कोई संतान नहीं है। संतान तो कितनों के नहीं है, और ऐसे देखें तो मीरा के कोई संतान नहीं थी, नरसिंह मेहता के एक बेटा था वो भी गुजर गया, तो क्या नरसिंह मेहता की अधोगति हुई? मीरा के कोई संतान नहीं थी तो क्या मीरा की अधोगति हुई? संत ने समझाया, हे ब्राह्मण, बेटे बेटा होने से और नहीं होने से इस जीव के कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप तो संत हो, आप तो बाबा जी हो, आप गृहस्थी होते तो पता चलता कि गृहस्थी की क्या क्या इच्छाएं होती है, मन में कितने कितने कल्पनाएं होती हैं, कितने कितने सपने संजोता है। मैं गृहस्थी हूं, मुझे तो बालक चाहिए, और बेटा नहीं होगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, बेटा होगा तो मेरा पिंडदान करेगा, मेरा क्रियाकर्म करेगा, मेरे श्राद्ध करेगा, मेरा तर्पण करेगा। संत ने बहुत सुंदर बात कही, ब्राह्मण सुनो, बेटा कभी किसी की मुक्ति नहीं करता, और दुनिया में इतने इतने बेटे हैं, सबके बेटे अगर माता पिता की मुक्ति कर देते हैं तो नरक में कितने जीव चिल्ला रहे हैं। गरुड़ पुराण में देखो, हे बेटा मुझे बचाओ, हे बेटा मुझे बचाओ, ऐसे लोग नहीं तड़पते। और आपको लग रहा है कि बेटा ही मुक्ति करता है, तो ये बात मेरे तो समझ में नहीं आती। मुक्ति हमारी खुद को अपन को ही करनी है, ना तो बेटा मुक्ति कर सकता है, ना बेटा कोई पिंडदान करने से हमारी मुक्ति हो सकती है। एक आटे का पिंडदान करने से, ये तो कर्म कांड में आया है, हमारे पूर्वजों के लिए करना चाहिए, पितरों के लिए करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण कर्मकांड सभी करना चाहिए, ये भी उनके तक पहुंचता है, ऐसा भी हमारे ग्रंथों का कहना है। और विशेष करके तो हमारे कौवे को बुलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, और कहते हैं कि पितृदूत माना जाना जाता है, और इसी कारण कौवे को बुलाते हैं। लेकिन मेरी बात समझ करो तो मैं आपसे कहूँगा, शरीर एक पिंड है, और इस शरीर को भगवान को अर्पण करना ये सबसे सच्चा और सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ पिंडदान है। ये शरीर ईश्वर का है और यही ईश्वर को समर्पित करना है। हे प्रभु, ये आपने मुझे शरीर दिया है और इस शरीर का मैं सदुपयोग करूं। वाणी मिली है तो वाणी का उपयोग करूं, दृष्टि मिली है तो दृष्टि का उपयोग करूं, कान मिले तो कान का उपयोग करूं, मेरे जो आपने मुझे दिया है मैं इसका सही उपयोग करूं। आप यह सब जानते हैं, जिसके पांव से जो चल नहीं सकता वो कितना दुखी है, जिसके हाथ काम नहीं करते वो कितना दुखी है, लेकिन जिसके हाथ हैं वो क्या कर रहा है, जिसके पांव हैं वो क्या कर रहा है? क्या हाथ हमने समर्पण किया, क्या हमने आंख हमने भगवान को अर्पण करी, और ये पंचभौतिक शरीर जो भगवान ने दिया ये उसकी अमानत है और उसको ही हमें अर्पण करना, यही सच्चा पिंडदान माना गया है। और ये शरीर अमानत किसी की है और ये हम उसको अर्पण नहीं करें तो हम भगवान के दरबार में गुनहगार माने जाएंगे कि मैंने तुझे दिया था, इस जगत में भेजा, एक इतना सुंदर मनुष्य शरीर दे करके भेजा, लेकिन आखिर में तू मेरी अमानत वापस नहीं लौटा रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, तन मन धन सभे तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु, ये तन दिया है ये भी आपका है, ये मन दिया है ये भी आपका है, और जो धन दिया है ये भी आपका है, तो तीनों चीज मैं आपको अर्पण करता हूँ, क्या लागत है मोर, मेरा क्या लगता है। हमारे कबीर साहब भी कहते हैं, चदरिया जीनी राम जीनी, या तो अष्ट कमल दल चरखो चाले, पांच तत्व मिल पीनी। ये जो चदरिया दी है परमात्मा,
लेकिन ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरियां जीनी राम जीनी। जैसे हे प्रभु आपने मुझे जो चदरियां दी है ये मैंने तेरे नाम पर, तेरे कर्म पर, तेरे सत्संग पर, तेरे भजन पर, तेरी साधना में, तेरी पूजा में, तेरे तीर्थ में, तेरे व्रत में, तेरे उपवास में, जैसे भी मैंने समर्पित आपको कर दिया है, ये सच्चा एक पिंडदान है। और ये हम पिंडदान नहीं कर सकते हैं तो आटे के पिंडदान से कोई मुक्ति होने वाली नहीं है, और किसी की हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे भागवत जी में संत समझा रहे हैं आत्मदेव को, हे आत्मदेव सुनो, ये बेटा कोई मुक्ति नहीं देता। एक अर्थ में संत ने और समझाया, संत ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, बेटा अगर लायक है तो भी दुख देता है, और बेटा अगर लायक नहीं है तो भी बेटा दुख देता है। थोड़ी देर के लिए तो ब्राह्मण भी सोचने लगा। आत्मदेव ने विचार किया कि संत क्या बोल रहे हैं, बेटा लायक है तो भी दुख देता है और बेटा लायक नहीं तो भी दुख देता है, कैसे दुख देता है? ब्राह्मण ने प्रश्न किया। संत ने कहा बेटा अगर लायक है तो हम उसके मोह में फंस जाते हैं, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। और हम सब जानते हैं बेटा अगर प्रिय हो, बेटे के अंदर हमारी ममता है, बेटा अच्छा है, बेटा आज्ञाकारी है, समय पर नहीं आएगा तो चिंता हो जाएगी, स्कूल से घर नहीं आएगा तो चिंता हो जाएगी, किसी के साथ जाएगा तो चिंता हो जाएगी, दिन रात उसी की चिंता में हम लगे रहते हैं, एक ममता के कारण एक मोह के कारण। लेकिन बेटा अगर नालायक है, लायक नहीं है तो जीवन भर दुख देता है, और आखिर में भजन हो नहीं सकता, दिन रात उसी बेटे का चिंता लगी रहती है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरे बेटे ने कोई उल्टा सुलटा तो नहीं कर दिया, दिन रात उसी की चिंता लगी रहती है, तो बेटा दोनों तरफ से दुख देता है। और फिर कहूँ जिसको बेटा है तो भगवान की कृपा मानो, हे प्रभु आपने जो दिया है वो हमें स्वीकार है, और अगर आपने बेटा नहीं दिया है तो सारा कर्म सारा भजन साधन मेरा उद्धार मुझको खुद को ही करना है, मेरा उद्धार मेरे को ही करना है, मेरे कोई बेटा नहीं तो मेरा बेटा मेरा उद्धार कर नहीं सकता। इस भाव से संत ने खूब समझाया, लेकिन मोह में फंसे हुए, एक ममता में फंसे हुए आत्मदेव को एक भी बात लगी नहीं, एक भी बात असर नहीं कर रही है। अब इतना इतना ज्ञान संत मिल गए, ईश्वर की कृपा से संत मिले, और तब तो कुछ ज्ञान होना चाहिए। लेकिन रामायण का सूत्र है, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। लोभी आदमी के सामने विराग की बातें करो तो कोई मतलब नहीं, ममता में फंसे हुए आदमी को लाख ज्ञान की बातें बताओ उसके कोई असर होने वाला नहीं, मूर्ख आदमी के सामने कितने हाथ जोड़ो उसके कोई असर होने वाला नहीं, कितने ही नम्र बन जाओ, कितने ही सरल बन जाओ, कितने ही सहज बन जाओ, वो अपने ढंग से अर्थ लगाएगा। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, कुटिल आदमी के साथ प्रीत निभती नहीं है, प्रीत उसी के साथ निभती है जो निष्कपट हो, जहां कपट होगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा प्रीत जहां पर्दा नहीं, जहां पर्दा नहीं प्रीत, प्रीत पर्दा दोनों रखे ये दुश्मन की रीत, प्रीत पर्दा दोनों रखे ये दुश्मन की। जहां प्रीत होता है वहां पर्दा नहीं होता है, और जहां पर्दा होता है वहां कभी प्रीत नहीं होती। छिपाव दुराव कपट जहां होता है
वहां कभी प्रीत ठहरती नहीं। हम सब आश्वासन ले लेते हैं हमारी प्रीत है हमारी प्रीत है, लेकिन शास्त्रों का यही कहना है, यह भी हमारा एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि हम सब प्रीत के अंदर नहीं कहीं ना कहीं मोह में फंसे हुए हैं। मोह में और प्रेम में बड़ा अंतर माना गया है। एक मोह भी हमें रुलाता है, एक प्रीत भी हमको रुलाती है। कहते हैं कि प्रीत संयोग में इतना सुख दे न दे, लेकिन वियोग में दिन रात चिंतन बना रहता है। और मोह के अंदर पहले सुख मिलता है, बाद में दुख मिलता है। मोह का स्वभाव है पहले सुख देना, बाद में दुख देना। लेकिन प्रीत का स्वभाव है पहले दुख देना, बाद में सुख देना। प्रीत के मार्ग पर जो भी आए, पहले उनको सबको दुख मिला, बाद में उनको सुख मिला है। पहले किसको दुख नहीं मिला? हमारे ग्रंथों के प्रमाण ले लो, जो जो इस परमात्मा की प्रीत के मार्ग में आए, पहले सबको दुख मिला है, बाद में जाकर के सबको सुख मिला। और प्रमाण हमारे संतोष ने गाया कुछ पंक्तियां, आइए सभी गाएं। तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे, तेरी यारी ताली बजाने की आदत नहीं है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। मैं एक जगह कथा करने गया कोटा के पास, एक भाई हमारी कथा में आता था, दोनों पांवों से वो विकलांग था, हाथों से चलता था, और एक हाथ से एक हाथ जमीन पर, पता नहीं वो कैसे सहारा लेकर के दोनों पांव चलने लायक नहीं, हाथों से चलने वाला, लेकिन वहां पर नाच रहा था। मैं दंग रह गया। भक्त क्या कहता है भगवान, जो तेरे नाम की माला फेरता है, जो तेरा भजन करता है, जो तेरी कथा सुनता है, जो तेरे को मानता है, उसको दुनिया में सुख ज्यादा नहीं मिलता है। अगर यहां किसी को दुख मिला हुआ है तो समझना कहीं ना कहीं ईश्वर हमारी मजबूती से परीक्षा कर रहा है। किसी का बेटा बीमार, किसी की पत्नी बीमार, किसी का पिता बीमार, तो समझना भगवान हमको कस रहा है, हमको परीक्षा में खरा उतरना है। और प्रमाण के साथ देखिएगा, तेरी यारी में बिहार
प्रसंग की इन लाइनों को याद रखना। हे बिहारी, हे वृंदावन बिहारी, हे द्वारिका नाथ, हे भगवान श्री कृष्ण, हे मुरली वाला, सुन कान खोल के। तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो। तेरे से मौत मोहब्बत करी उसको तूने सुख नहीं दिया, और प्रमाण कितने सुंदर। यारी करी थी हरिश्चंद्र राजा, यारी करी थी हरिश्चंद्र राजा, यारी करी थी हरिश्चंद्र राजा, घोषणा है। आप जहां तक सुन रहे हो सुन लेना, भगवान क्या कहता है। भूखे मारूं, भूखे सुवारूं, तन की पाड़ूं छाल, भूखे मारूं, भूखे सुवाड़ू, तन की पाड़ू छाल, इतने में पीछे ना हटे, पीछे करूं निहार। इतने में पीछे ना हटे तो बाद में निहाल करता हूं, लेकिन पहले मैं उसको भूखा रखता हूं, उसकी चमड़ी उदेड़वा देता हूं। और हरिश्चंद्र राजा देखो आप, राजपाट सब देकर विश्वामित्र जी को काशी के बाजार में बिकना पड़ा, पत्नी को बिकना पड़ा, बेटे को सांप डस गया, लाश लेकर के आई। और हरिश्चंद्र ने कहा, बिना टैक्स लिए, बिना कर लिए मैं लाश को जलाने नहीं दूंगा। देखो परीक्षा, देखो आज हमारी परीक्षा होवे तो हिम्मत कर लेना, कैसी कैसी परीक्षा लोगों ने दी है। एक बेटे की लाश को लेकर तारा कहती है, स्वामी ये आपका बेटा है, लेकिन हरिश्चंद्र कहता, बेटे से ज्यादा मेरा धर्म है। जे दृढ़ राखे धर्म को तेई राखे करता, इस कारण पहले मेरा धर्म है। और धर्म पर चलने वालों को, नीति पर चलने वालों को, ईमानदारी से चलने वालों को, सच्चाई पर चलने वालों को इतना इतना दुख देखना पड़ता है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं, धर्म करे सो भूखा मरे, और पाप करे तो धाप के खाए। ये सोचना गलत, ये सोचना बिल्कुल गलत। पापी आदमी धाप के नहीं खा सकता, पापी आदमी चैन से नहीं रह सकता, पापी आदमी शांति से नहीं रह सकता, पापी आदमी शांति से मर नहीं सकता। लेकिन धर्म करने वाला पहले दुख जरूर देखेगा, लेकिन आखिर में प्रभु के लोक में निवास करेगा। इसलिए बीच बाजार बिक पायो रे, बीच बाजार बिक पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे, यारी में बिहारी सुख ना पायो रे। Thank you.
घर में ठाकुर जी की पूजा करते हो, आप मंदिर जाते हो, लेकिन घर में पति का स्वभाव ठीक नहीं है, घर में सासू का स्वभाव ठीक नहीं है, घर में बहू का स्वभाव, सासू का स्वभाव, पति का स्वभाव, ससुर का स्वभाव, बेटे का स्वभाव, और हमें किसी प्रकार का दुख मिल रहा है, तो घर में काम करते करते भगवान को याद करते करते कह देना, हे प्रभु हमने तेरे से मोहब्बत करी है, तो सासू तो विपरीत मिलेगी ही मिलेगी, ससुर ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, बेटा ऐसा निकलेगा ही निकलेगा, शरीर में रोग होगा ही होगा, कोई न कोई तो समस्या होगी ही होगी, कारण कि जितनी समस्या होती है उतना तेरा भजन अच्छा होता है। इस कारण बीच बाजार भजन के अंदर कितने प्रसंग आ गए देखो आप। यारी करी थी भीष्म पितामह, यारी करी थी भीष्म पितामह, बाणों की सेज सुलायो रे, बाणों की सेज सुलायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुखना मोहब्बत करोगे तो क्या क्या नहीं सुनना पड़ेगा। आप देखो भागवत में महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक भी पांडव नहीं मरा, दुर्योधन ने कितने कटु वचन कहे, अरे तातश्री सुनो, आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हो लेकिन अंदर से पांडवों को प्यार कर रहे हो, अरे रोटियां तो हमारी खा रहे हो, अन्न हमारा खा रहे हो और पक्ष से उनके लड़ रहे हो, कितना कटु वचन कहा, तिल मिला गए भीष्म दादा। इसका मतलब इस मार्ग पर चलोगे तो कोई ताने भी मारेगा, कोई कलंक भी लगाएगा, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत उससे करी है। मीरा ने किसको गालियां दी, मीरा ने किसको थप्पड़ मारा,
मीरा ने किसको डंडा मारा, लेकिन जहर का प्याला पीना पड़ा, सांप का पिटारा। देखो आप इस मार्ग पर चलने वाले ध्यान रखना, या तो इस मंजिल को इस मार्ग को छोड़ दो, और इस मार्ग पर आए तो इतनी मजबूती करके चलो। किसी संत ने कहा, ये खेल है गुड़ियों का नहीं, तलवार की ढाल पर चलना है। ये गुड़ा गुड़ी का खेल नहीं है, तलवार की धार है, इस पे चलना है, और ये सब सहन करना ही करना है। इसलिए कहा, मानो किसे जिसुलायो रे, मानो किसे जिसुलायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे, सुख ना पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे, और आप अपने अपने घर में सब जानते हो, आपका मन कथा में, सत्संग में, भजन में, पूजा में, पाठ में, ध्यान में, तीर्थ में, व्रत में, उपवास में, लेकिन आपका व्यवहार घर वालों को ठीक लगता है क्या? आज वो बोल रहा है, आज वो बोल रहा है, कितने कितने बाधाएं हमारे जीवन में आती है। ईश्वर की भक्ति ऐसी खुशबू है, सबके सूट नहीं होती है। सभी ग्रंथों का सार ईश्वर भक्ति है, और ये ईश्वर भक्ति फूलों के सार इत्र की तरह, जैसे इत्र लगाओ माथा चढ़ जाए, ऐसे ईश्वर भक्ति कोई करेगा तो घर वाले परिवार वालों का माथा चढ़ जाएगा, उनको तकलीफ होगी होगी, और कई तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आएगी ही आएगी। इसलिए कवि कहता है, यारी करी थी भीष्म पितामह, कहा यारी करी थी मीरा बाई ने, यारी करी थी मीरा बाई ने, यारी करी थी मीरा बाई ने, बात हमेशा हम कथा में कहते रहते हैं, गौर करिएगा। हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज, कोई बीमार अगर बैठा बैठा रोटी खा रहा है, बैठा बैठा कोई फल खा रहा है, तो डॉक्टर आएगा राउंड में, पूछेगा क्या हालचाल है, वो मुस्कुरा के कहेगा कि मैं ठीक हूं, डॉक्टर आगे चला जाएगा। लेकिन कोई सीरियस केस है, हालत बहुत खराब है, डॉक्टर, वार्ड बॉय, बड़े बड़े डॉक्टर, कंपाउंडर, जो होगा उसके आजू बाजू में घूमेगा, अरे भाई इसमें इसको ये इंजेक्शन देना, इसको ये दवा देना, इसको ये टेबलेट देना, इतने इतने घंटे में देना, इतनी इतनी देर में ब्लड प्रेशर चेक करते रहना, कितना डॉक्टर ख्याल करता है, क्योंकि सीरियस मामला है।
ऐसे हमारे जीवन में भी कोई दुख आवे तब समझना सीरियस मामला है, भगवान हमारे आजू बाजू में घूम रहा है, कंपाउंडर की तरह डॉक्टर की तरह। यारी करी थी भक्त प्रहलाद ने, यारी करी सुनी। कई महापुरुष लोगों ने भागवत कही और आज भी कर रहे हैं। यारी में बिहारी सुखना मारूं भूखे सुवाड़ूं तन की पाड़ूं छाल, इतने में पीछे ना हटे तो पीछे करूं नियाल, तो पीछे करूं नियाल, तो पीछे करूं नियाल। तो कोई न कोई कमी हमारे जीवन में रहती ही है और यही कमी जिसके पूरी हो गई उसको भी शांति नहीं और जिसके कमी है तो उसको भी कोई शांति नहीं। इसलिए संत ने बड़ा ठीक समझाया, आत्मदेव से कहा, हे आत्मदेव, आप मन में जो इच्छा ले रखी कि मुझे पुत्र मिले लेकिन पुत्र की ममता छोड़ दो, फिर भी कहा कि नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए। तब संत ने एक फल दिया और कहा कि ले जाओ ये फल, ले जा करके और अपनी पत्नी को खिला देना। फल लेकर के गया, धुंधली को दिया। धुंधली ने पूछा, पतिदेव क्या है, कौन सा फल है? कहा कि एक संत ने दिया है और शायद हमारे घर में भी कोई बालक हो जाए, हमारे घर बालक नहीं है। धुंधली ने पहले हाथ में फल लिया, फिर देख करके विचार किया, अगर मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी और 9 महीने तक मुझे पेट में बालक को लेके घूमना पड़ेगा, फिर जन्म देने की प्रसव की पीड़ा भोगनी पड़ेगी, ऐसा दुख मैं मोल नहीं लेना चाहती। आखिर में वो धुंधली खुद का खाने का नाम लेकर के गाय को खिला दिया और पति से कहा कि मैंने फल खा लिया। इधर उसकी बहन के एक बेटा होने वाला था, बहन को कहा, बहन तू बड़ी गरीब है और मेरे पास पैसा बहुत है, एक काम करते हैं, तेरे बालक होने वाला है, ये बालक तू मुझको दे देना और मैं इसके बदले में खूब सारा धन दे दूंगी, बहन की गरीबी मिट जाएगी और मुझे बालक मिल जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। यह विचार करके, बहन का बालक होने वाला था, इधर गाय भी गर्भवती हुई और इधर गाय की भी बछड़ा होने वाला,
बालक होने वाला। समय निकला, इधर बहन का बेटा हुआ, इधर गाय के भी एक बालक हुआ। शरीर तो मनुष्य का, लेकिन कान जो थे वो गाय के बछड़े के जैसे। नाम रखा गया गोकर्ण। इधर बहन का बेटा लेके आई और मैं कह दिया मेरे बालक हुआ, मेरे बालक हुआ, घोषणा कर दी। इधर बालक बड़ा होने लगा, इधर गोकर्ण भी बड़ा होने लगा। जब दोनों बड़े होने लगे, लेकिन गोकर्ण एक संत की प्रसादी था, एक संत का आशीर्वाद था। रोज समय पर उठता, माता पिता को प्रणाम करता, संध्या वंदन पूजन करता, भगवान की ईश्वर भक्ति में मन लगाता। लेकिन जो बहन का बेटा लेकर के आई, वो तो बड़ा उत्पाती स्वभाव का, छोटे छोटे बच्चों को ले जावे, कहीं कुएं में धकेल दे, किसी का चोरी करके ले आवे, किसी को मार पीट कर दे, रोज उलाने लेकर के आवे, बड़ी शैतानियत सवार हो गई। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, एक तो बड़ा सदाचारी निकला और एक बड़ा ही क्रूर स्वभाव का बन गया। अब तो चोरियां करने लगा, गलत संगत में फंस गया, शराब मांसाहार आदि करने लगा। माता पिता को आकर कहता लाओ पैसा, लाओ पैसा। माता पिता मना करे तो माता पिता की पिटाई कर दे। गोकर्ण आकर के कहता पिताजी, हाँ बेटा, मैं इस बेटे से बहुत दुखी हो गया। ये शराब पी करके आता है, मांसाहार करता है, चोरियां करता है, गलत सोबत में लग गया, मैं क्या करूं। तो बड़ी सुंदर बात गोकर्ण ने कहा, पिताजी इस बेटे का मोह छोड़ो, आप इस बेटे के मोह में फंसे हुए हो, यही आपके दुख का कारण है। और भागवतकार ने कहा, गोकर्ण अपने पिताजी से कहता है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, सेवास्व साधु पुरुषांजयि काम तृष्णा, अन्नस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम्। सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम्। समाज के हर पिताओं को, हर आत्मदेव को भागवत का यह सूत्र बड़ा सीखने जैसा है। जब जब भागवत कथा हो तब चर्चा करते हैं, एक बेटा अपने पिताजी को सीख दे रहा है, पिताजी धर्म की सेवा करो, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। पिताजी धीरे धीरे लोक धर्म को छोड़ दो। अब एक उम्र होने के बाद जीवन में जाना, विवाह में जाना, मृत्यु भोज में जाना, लौकिक कार्यों में जाना, एक उम्र तक जाओ, लेकिन घर में बेटा लायक हो जाए, पोता पोती घर में हो जाए, उसके बाद बेटों से कहो, बेटा हमने तो हमारा काम कर लिया, अब तुम जाओ। एक बेटा अपने पिताजी से कह रहा है, पिताजी त्यज लोक धर्मान, धर्म नहीं छोड़ना है, लोक धर्म को छोड़ना है। जहां कहीं लोक व्यवहार में जाना हो, अब उसको कह दो कि नहीं, अब मैं इससे छुट्टी लेता हूं, अब मैं इससे निवृत्त होता हूं। तज लोक धर्मान, सेवस्व साधु, साधु पुरुषों की सेवा करो। और पहले क्या कहा, पहले संत मिले, लेकिन संत की पहचान नहीं हुई, संत को नहीं पहचाना। और हमारे यहां बताया गया है, पहले साधु का संगत करो और उसके बाद संत की संगत करो। सीढ़ी बताई है और प्रमाण हनुमान चालीसा में,
साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत साधु संत के तुम रखवारे। भागवत में आया है आत्मदेव ने पहले डायरेक्ट संत की संगत करी, साधु संगत नहीं करी। और आप रामायण का वंदना प्रकरण को ठीक से देखिएगा, पहले साधुओं की वंदना, संतों की वंदना, दोनों में अंतर बताया। संत किसको कहते हैं? और यहां पर गोकर्ण कह रहा है, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु, साधु पुरुषों की सेवा करो। आत्मदेव कहता है, बेटा तू मुझे कह रहा है मैं साधु पुरुषों की सेवा करूं, लेकिन मैं तो पहले संत का संग करके आया हूं। गोकर्ण कहता है, पिताजी आपने डायरेक्ट संत का संग कर लिया ना, इसलिए आपको फल दिया। और आपको कहते हैं आपको संत ने फल दिया था, लेकिन आप उस फल की महिमा नहीं समझ पाए। डायरेक्ट कोई संत मिलेगा तो दुनिया समझ नहीं पाएगी, पहले साधु की संगत। साधु पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पहले जो साधु की संगत करेगा तब संतों की महिमा को समझ पाएगा। और कोई डायरेक्ट पहले संतों की संगत करेगा तो समझ नहीं पाएगा। इसलिए पिताजी फिर से शुरू करो, सेवस्व साधु पुरुषान जयी काम तृष्णाम। इस उम्र में पिताजी अब काम तृष्णाओं का त्याग करो। एक उम्र तक तृष्णा भी आवश्यक है, एक उम्र तक कामनाएं भी आवश्यक है, एक उम्र तक क्रोध भी आवश्यक है, एक उम्र तक लोभ भी आवश्यक है, लेकिन एक उम्र के बाद इन चीजों को सबको धीरे धीरे कम करना। काम तृष्णा, तृष्णाओं को कम करो। पिताजी जितनी जितनी आपकी तृष्णा बढ़ेगी उतना उतना आपका मन संसार में फंसेगा, जितनी जितनी आपकी तृष्णा कम होगी उतना उतना मन बाहर निकलेगा, और जितना जितना संसार के दल से मन बाहर निकलेगा उतना उतना भगवान में मन लगेगा। एक सीढ़ी नीचे की छूटती है तब ऊपर की सीढ़ी पकड़ में आती है, संसार की सीढ़ी छूटती है तब परमात्मा की सीढ़ी पकड़ में आती है। लेकिन हम तो एक सीढ़ी उसपे भी हमारा पांव, उसपे भी हमारा पांव, वो भी नहीं छूटे, भजन भी करना जरूरी। रामायण में क्या लिखा है, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। एक मोह का ब्रह्म छूट जाए तब रघुनाथ के चरण में प्रीत हो सकती है। हम मोहग्रस्त होकर ईश्वर का भजन नहीं कर सकते, और मोह को तोड़ने का एक ही रास्ता, एक ही उपाय, बिनु सत्संग न हरि कथा तेई बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, मोह मिटता नहीं, अगर मिट जाता तो भागने की बात क्यों करते। भागता है, कभी हमारे घर के बाहर कुत्ता बैठा हो आप डंडा लेकर उसको भगा दो, लेकिन थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, घंटे आधे घंटे के बाद घूम करके वापस वहीं आ जाएगा,
फिर आप भगाओ फिर वहीं आ जाएगा, फिर भगाओ फिर आ जाएगा। वैसे मोह भी ऐसा ही है, आप इसको सत्संग में बैठो भागेगा, थोड़ी देर के लिए भागेगा, लेकिन यहाँ से कथा के बाद अपने घर जाएंगे फिर अपना आप मोह वापस आ जाएगा। ये परिवार का मोह फिर हमें जकड़ लेगा। तो जितना जितना सत्संग बढ़ेगा उतना उतना मोह की मात्रा कम होगी, और जितना जितना सत्संग छूटेगा उतने हम दलदल में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। दोनों ऑप्शन हैं हमारे पास में कि सत्संग करो तो संसार से निवृत्ति मिलेगी, और सत्संग नहीं करो तो भगवान से निवृत्ति मिलेगी। सत्संग करेंगे तो भगवान के निकट पहुंचेंगे, संसार दूर हो जाएगा, और सत्संग नहीं करेंगे तो दादी जी पोते को कहेगी आ बेटा मैं तुझे खिलाऊं। पति पत्नी पुत्र परिवार ये सब मोह की जकड़न फिर पकड़ में ले लेगी। आज भी आप देखो कितनी माता बहन है, कहो कि भाई कथा में आओ तो क्या कहती है, मैं कैसे आऊं, 1 बजे तो बच्चों की छुट्टी होती है। अब 1 बजे ही छुट्टी होए तो क्या दूसरे दुनिया में किसी के बच्चे नहीं हैं? और अक्सर देखा जाता है कथा में जाएंगे तो पोता पोती साथ में आएंगे। अब पोता पोती आवे ठीक है, पोता पोती को लाड़ करो प्यार करो, लेकिन जहाँ ईश्वर से जुड़ने का मौका मिला है, भजन का मौका मिला है, और वहाँ भी इस मोह माया को साथ में लेकर के आओ। घर में खूब लाड़ करो प्यार करो दुलार करो घुमाओ फिराओ, कोई मना नहीं, लेकिन जहाँ ईश्वर से जुड़ने का संबंध आवे उस वक्त सब कनेक्शन काट दो। आगे आएगा प्रसंग, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो क्या कहा, राजन जहाँ जहाँ तुम्हारे संबंध हैं उनको तोड़ो, उनको दूर करो। खंभे पर कोई बिजली के काम करता है तो पहले मेन लाइन को बंद करता है तब वो काम कर ठीक कर पाता है। ऐसे ईश्वर से भी जुड़ना है तो पहले सब ये लाइन को काटना पड़ेगा। ये सब कनेक्शन कटेंगे मन से तब जाके मन भगवान में लगेगा। बाकी तो लाड़ करो प्यार करो दुलार करो जितना जितना करो, लेकिन वो केवल एक श्रम हो सकता है। एक अवसर मिलता है ईश्वर की कृपा से, और वो भी आदमी मोह माया से छूट नहीं पाए तो वो सत्संग में केवल केवल बैठ करके एक समय पास करने वाली बात हो सकती है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा तेई बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। इसलिए गोकर्ण कहता है पिताजी धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्मान, साधु पुरुषों की सेवा करो सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, और रोज हरि कथा रस का पान करो। कथा रस का पान को पिबत्वम पीना है। अब यहां तो पीने जैसा कुछ नहीं लग रहा है, अब कैसे पिए? किसी दुकान पे जाओ तो मौसम्बी का जूस पियो, घर में हो तो आप और भी कोई रस पियो। अब यहां पर तो कहते हैं हरि कथा रसमो नितराम पिबत्वम, यहां तो पीना है तो कैसे पीवे? और पीने के लिए होठों पे लगाना पड़ेगा। अब तो गिलास नजर नहीं आता, रस नजर नहीं आता, फिर होठों पे कैसे लगा? लेकिन संतों ने बड़ा सुंदर कहा, कान के दोने बना करके और हरि कथा रस का पान करो। कान के दोने, और कान की बनावट भी आप देखो ठीक ढंग से देखोगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे कोई दूना हो। कैसे लगेगा आप? कान के रस द्वारा पीना है, और इसको भी कौन पी सकता है? जो भाग्यशाली है वो पी सकता है। बाकी तो सुंदरकांड में लिखा है, प्रमाण लीजिएगा। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भावन काऊ, जिसका जीवन में पाप बहुत होता है वो मेरा भजन नहीं कर सकता, मेरा ध्यान नहीं कर सकता, मेरा चिंतन नहीं कर सकता। और हम भी देखें इस जीवन में हम भगवान का चिंतन कितना करते हैं, और ये परिवार का झंझटों का हम चिंतन कितना करते हैं। भगवान का भजन कम होता है, इन दूसरों का चिंतन ज्यादा होता है,
और ऐसे पूरी जीवन के हिसाब किताब लगा करके देखो तो हमारे जीवन का घाटा कितना बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है। जो ध्यान ईश्वर की तरफ लगाना चाहिए वो हमने संसार की थोती थोती बातों में अपने ध्यान लगाकर अपने कीमती समय को हम सब लोगों ने बर्बाद किया है। इसलिए हमारे कवियों ने ठीक कहा, प्रभु तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई किस्मत वाला। प्रभु तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई किस्मत वाला, अमृत पीवे कोई किस्मत वाला, अमृत पीवे भक्ति में मन होवे मत वाला।
पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, हरि कथा रस का पान करो। हमेशा एक उम्र के बाद इंसान का यही काम होना चाहिए कि भगवान की भक्ति की तरफ लग जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। हमारे राजस्थान में एक बात कही जाती है, औकात क्या है जीव की, औकात क्या है जीव की, जो हरि नाम लेवे पाप देवे थाप की, जो मुंडो फेर देवे पाप देवे थाप की, मुंडो फेर देवे। क्या औकात है जीव की जो हरि नाम ले सके, क्या औकात है जीव की हरि नाम सुन सके। इसलिए सुनना और प्रभु का नाम गाना, अगर कोई सुनता है तो समझना कोई न कोई पुण्य उदय हुआ है। हमारे कहा जाता है, हमारे भागवतकार ने कहा, कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है, कई जन्मों के। आप घर में एक मोटरसाइकिल खरीदते हो, एक कार खरीदते हो, और आपको 15,000-10,000 तनख्वाह मिलती है। अब आपने 10,000 की तनख्वाह में से कितने रुपए आपने बचाए हर महीने, तब जाकर के आपके कार की किस्त चुकती है, आपके घर में कार खड़ी रहती है। कितने महीने की, 1,000 रुपया हर महीने बचाओ, कितना रुपया इकट्ठा करो, तब जाकर के एक कार हमारे घर के बाहर नजर आती है। ऐसे कितने कितने जन्मों में हमने पुण्य का संचय किया होगा और वो परमात्मा को अर्पण किया होगा, तब भागवत रूपी कार सामने आई है, तब ये कार सामने आई है। अब तो इसके अंदर बैठो, सफर करो, आनंद करो। एक कार बिना पेमेंट के नहीं मिलती, तो सत्संग कथा भजन बिना पुण्य के पेमेंट के कभी नहीं मिलता, ऐसा मानस में भी एक जगह प्रमाण। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सत संगति संस्रुति कर अंता। पुण्य के पुंज के बिना संतों का मिलना नहीं होता, पुण्य के पुंज के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं होता। कोई कहता है कलयुग आ गया, लेकिन हमको पूछो तो हम तो यही कहेंगे कलयुग होगा, युग के अनुसार भले कलयुग होगा, लेकिन कलयुग में सतयुग आ गया, ये गणपति वाटिका में ये सतयुग आ गया। कौन कहेगा यहां पर कलयुग है, कौन कहेगा यहां अशांति है, कौन कहेगा यहां क्लेश है, कौन कहेगा यहां झगड़ा है, कौन कहेगा यहां पर संताप है, कौन कहेगा यहां चिंता है, यहां पर सब मिट जाते हैं।
तभी कहना पड़ेगा ये कलयुग में सतयुग आ गया है। सतयुग में भी कलयुग जैसी स्थितियां थी, राक्षस लोग तो उस जमाने में भी थे, राक्षस लोग आज के जमाने में भी है, और पहले जैसी स्थितियां थी ध्यान करना पड़ता था, आज ध्यान की जरूरत नहीं है, आज तो केवल हरि गुण गाओ, भजन गाओ, प्रभु के नाम का कीर्तन करो, आज के युग में तो यही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये हरि नाम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये कोई सुन भी नहीं सकता और ये कोई अंदर प्रवेश कर भी नहीं सकता। अगर किसी के पुण्य के प्रभाव से अगर सत्संग में चला जाए तो उसका मन कथा में नहीं लगेगा, मन कथा में नहीं लगेगा, सोचेगा कब बाहर जाऊं कब ये कथा पूरी हो, कब बाहर जाऊं कब ये कथा पूरी हो, ऐसी स्थिति जब होती है तब समझना कोई न कोई पाप आड़े आ रहे हैं। हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में अगर किसी का भक्ति में रस नहीं हो, इसमें किसी का मन नहीं हो, तो कभी दुखी होने की जरूरत नहीं, समझना जीवन में इतने पाप आड़े आ रहे हैं कि वो ईश्वर की भक्ति करने ही नहीं देते, आड़े आ गए, आड़े आ गए। अगर वो पाप हटेगा तो ईश्वर के उस राज में प्रवेश मिलेगा, लेकिन वहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं लग रही है, इतने बड़े बड़े पत्थर लग रहे हैं, ऐसे बड़े पत्थर को कौन हटावे, और वो पत्थर हटेगा तब ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। तो कोई दुखी होने की जरूरत नहीं। कभी किसी की पत्नी भक्ति ना करे तो पति दुखी होता है, और पति ना करे तो पत्नी दुखी होती है, माता पिता भक्ति करें ना बेटा बेटी नहीं करे तो वो भी दुखी होता है, वो भी सब घर में ना सास ससुर नहीं करे तो भी तकलीफ होती है, सास ससुर करें ना अगर बहू बेटा नहीं करे तो भी तकलीफ होती है। तो ऐसा सोचने की कोई बात ही नहीं, सब अपने अपने जन्म लेकर के आए हैं, अपने अपने पुण्य से जन्म लेकर के आए हैं, हरि भक्ति करे तो उनकी मर्जी, नहीं करे तो उनकी मर्जी। अगर भक्ति करेंगे तो हम रोटी खाएंगे हमारी भूख मिटेगी, हम कूलर के पास बैठेंगे तो हमारी ठंडक मिटेगी, और जो गर्मी में दौड़ने की आदत है वो दौड़े। आग लगी आकाश में जर्जर पड़े अंगार, ये संत न होते जगत में तो जल जातो संसार, ये संसार जल जाता, ये सत्संग कथा नहीं होती तो हमारा क्या होता, क्या होता। इसलिए सेवा कथा रसमहु नितराम पिबत्वम, मुझे भागवत के सार सार को निकालकर आपके बीच में रखकर, क्योंकि आप भी अलग अलग जगह से आए हैं, कौन हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई गुजरात से आया, कोई एमपी से आया, आप लोग इतने दूर दूर से आए हो और यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर रहे हो, और इस 3 घंटे के अंदर अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिले और आए भाई रोटियाँ खाई यहीं बैठे बीमार को लेकर के बैठे हैं, लेकिन नहीं, मैं निवेदन करूँ आपसे कि यहाँ पर आप 3 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, आधा घंटा बैठो, लेकिन आधा घंटे में भी कुछ गांठ बांध करके लेकर के जाओ, जीवन में कभी न कभी आपके काम आएगा। जरूरत पड़े तो गांठ खोल करके देख लेना कि मैंने उस कथा में क्या सुना था, वो बात मेरे जीवन में कहाँ लागू हो रही है, ये बात अगर समझेंगे तो जीवन में हर सूत्र काम आने वाला है। और ऐसे ये पोथियों की कथा, ये अजामिल का प्रसंग, ये पृथु महाराज की कथा, ये उत्तानपाद की कथा, ये हिरण्यकश्यप की कथा, ये प्रहलाद की कथा, आप भी इस वाटिका में, और हमारे बाबूजी ने तो कितनी व्यवस्था कर रखी है, वहाँ पर बड़ी के वहाँ पर भी इतनी कथा चल रही है, यहाँ पर भी इतनी कथाएँ हो रही है, इतने आयोजन हो रहे हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा ये इस कथा का सार निचोड़ निकाल करके आपके बीच में रखूँ, और इस 3 घंटे में थोड़ा सा भी 5 मिनट की कथा हो चाहे 10 मिनट की कथा हो, हमको शांति दे, हमको कुछ राहत महसूस कराए, हमको कुछ चिंता को कम करे, हमारे टेंशन को कम करे, हमारे विषाद को कम करे, हमारे दुख को कम करे, तब ये कथा सार्थक है। बाकी तो कथा सुन सुन फूटिया कान, हमारे जिंदगी संत लोग कहते हैं जिंदगी भर कथा सुनते सुनते हो जाती है, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलता, हमारा स्वभाव नहीं बदलता, कैसे प्राप्ति हो। क्यों कहा भगवान कृष्ण ने, ईश्वर है सर्वभूतानाम, हे अर्जुन सभी जीवों में मैं विद्यमान हूं, सभी में मैं ही हूं, पापी में भी मैं ही हूं, धर्मात्मा भी मैं ही हूं, साधु में भी मैं ही हूं, संत में भी मैं ही हूं, इस नक्षत्र में, तारों में, इस गर्मी में, वायु में, सब जगह मैं ही मैं हूं, सब जगह मैं ही हूं। और ये बात कब समझ में आए, तब इसके राज में प्रवेश करो तो पता लगेगा कि ये
जहाँ देखो वहाँ हरि, जहाँ देखो वहाँ परमात्मा। और वही परमात्मा एक जगह नहीं, सब जगह है। जितना हमारे घर में है उतना मंदिर में भी है, जितना हमारे घर में है उतना मस्जिद में भी है, जितना हमारे घर में है उतना गुरुद्वारे में भी है। लेकिन घर में वो वातावरण नहीं होता, इस कारण हम मंदिर जाते हैं, इस कारण हम मस्जिद में जाते हैं, इस कारण हम गुरुद्वारे में जाते हैं। और वहाँ जा कर के हमें शांति महसूस होती है। और जिस कथा में, जिस मंदिर में और जिस मस्जिद में जाकर मन को शांति न मिले तो वो हमारा एक परिश्रम हो जाता है, वो हमारी एक मेहनत हो जाती है, और वही हमारा केवल उसका उतना फल मिलता नहीं है। तो ये आज भागवत कथा की महिमा, और इस कथा के प्रथम दिवस में आज हमने भागवत के महिमा के ऊपर सार सार निकाल कर हमने आपके बीच में रखने का एक विनम्र प्रयास किया। और ये कथा अभी 7 दिन चलेगी, आज का दिन तो गया, 6 दिन और चलेगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ताली बजाते हुए मैं एक बार इलाहाबाद गया, वहां कथा चल रही थी, तो वहां मैंने सुना कि जो कथा में ताली बजाता है उसको बुढ़ापे में कभी लकवा का रोग नहीं होता, पैरालिसिस नहीं होता, और जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है वो जीवन में कभी गूंगा नहीं होता। भगवान ने जीभ दी है तो गाओ, और हाथ दिए तो ताली बजाओ, इसमें कंजूसी मत करना। अपना नहीं बन पाया, पत्नी को कहा मेरी, वो भी अपनी नहीं बन पाई, बेटे को कहा मेरा, वो भी अपना नहीं बन पाया, उसको भी बहू ले गई, बेटी को कहा मेरी, उसको जमाई ले गया, बताओ कौन है मेरा? वो मेरो है, वो पाल अंदर।
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर बिहारी लाल।